सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जाओ और खोदो, उमर को तलाश करो। हमें खबर की सदाकत को तकवीत देने के लिए किसी पाशा का नाम देना होगा। महमूद पाशा, हमारे जासूस ने दवा तैयार की थी बेखाबी से बचाव के लिए पिया जाने वाला कहवा। उन्हें गहरी नींद में ले जा चुका है तहसीन पाशा। तो क्या तुम इस दवा का तोड़ बना सकते हो डेविड? बच्चों की बाहिफाजत रिहाई में आपने भरपूर किरदार अदा किया है। आपका ये नेक अमल बरोज़ महशर आपके अमाल को और रोशन करे। आमीन। रियासत के लिए जंग करो या फिर अपनी जान दो। उन्होंने पादरी को जला डाला। अफसोस, हमारी जान काफी नहीं थी। सुल्तान मौजम में ये खबर हमारे अलावा हर किसी के हक में जा रही है। आप एक उस्मानी पाशा नहीं हो सकते। आप तमाम साफियों को बुलाकर उनके सामने खड़े होंगे और अपने बयान की तर्दीद करेंगे। आप बिल्कुल जैसे आपका हुक्म। आप एक अजीम शहजादे की हैसियत से याद किए जाने के बजाय दुश्मन के तौर पर याद किए जाएंगे आजादी के। सपाती पादरी मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? सबाहतीन, एक दर्जी तलाश कर लेना चाहिए आपकी शादी के लिए। मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे हम। आप रजामंद हो या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, ये शादी होकर रहेगी। ये शादी का तमाशा कुछ ज्यादा ही तवील हो गया। इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहता मैं। खानदान और घर की भलाई इसी में है सबाहतीन, कि ये शादी हो जाए। क्या आप एक ही बात दोहराते हुए थकती नहीं है? बैठ जाइए, हमें गुस्सा मत दिलाएं। दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा आपने। दूसरा रास्ता क्या करेंगे आप? इस शादी के चक्कर में फंसने के बजाय मैं यूरोप भाग जाऊंगा, फिर यहां पर हालात खुद संभाल लीजिएगा। जाइए सबाहतीन, चले जाइए, किस चीज का इंतजार है? माल और दौलत के बगैर यूरोप भाग जाइए ताकि आपकी अकल ठिकाने आ जाए। आप बेहाल हो जाएंगे और अजनबी सरजमीन पर खत्म हो जाएंगे आप। जाइए, इबरत का निशान बन जाइए। ठीक है वालिदा, ठीक है, नाराज तो मत हो आप, लेकिन मुझे भी तो समझने की कोशिश करें ना आप। ये शादी हर सूरत होकर रहेगी सबाहतीन, बात खत्म। अच्छा ठीक है, कबूल है, मकबूला से निकाह करूंगा मैं, मगर वो मेरी बीवी नहीं बनेगी, कभी नहीं। मुझे इस मामले का हल निकालना ही होगा।
क्या हुआ? ये कोई सरकारी राज है रिचर्ड? यहाँ उस्मानी बैंक को हमने यरगमाल बनाया और वहां अब्दुल हमीद ने मलिका बर्तानिया को यरगमाल बना लिया। लेकिन कैसे? आज सुबह मलिका जाग नहीं सकी, तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, लेकिन जिंदा है। अब्दुल हमीद का इससे क्या ताल्लुक है? अखबारात में एक खबर शाया हुई है, पाया तख्त नामी इदारा जिसने मलिका बर्तानिया की बेखाबी की दवा तैयार की थी, वो एक नई दवा पेश कर रहा है। ये इश्तेहार तमाम अखबारात में छपा है और हमारे अखबार में भी। बर्तानवी शाही खानदान की बेखाबी के मर्ज का इलाज जो 300 साल से राज था, क्या है ये सब? क्यों समझ में नहीं आया? हिंदुस्तान में बर्तानिया के खुफिया अड्डों पर हमले किए जाना, मलिका की खुफिया दवा का राज फाश होना, और हाँ ये इश्तेहार जिस इदारे ने दिया है वो पाया तख्त है। अब्दुल हमीद ने अंग्रेजों को जाल में फंसा दिया है सिर्फ एक ही वार में। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मलिका का कोई वारिस नहीं। माजी में बर्तानिया को कभी इस किस्म का खतरा लाहक नहीं हुआ, और फिर ये कि हमारी मलिका सिर्फ एक हुक्मरान नहीं है बल्कि मुल्क में तो कुछ लोग उन्हें लाफानी समझते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमें फौरन महल जाना चाहिए। बर्तानिया से हुक्म आया है कि अब्दुल हमीद का हर मुतालबा पूरा किया जाए। अब्दुल हमीद जो चाहता है वो जाहिर है, बैंक का कब्जा खत्म हो जाए और सड़कें आबाद हो जाए। रूसी सल्तनत का कोई लेना देना नहीं है मलिका से। बैंक पर कब्जे के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, मगर शहर में जारी फसादात बंद नहीं होंगे, रूसी जहाज वापस नहीं जाएंगे, तहरीक में शिद्दत आने तक यही रहेंगे। अगर आपने हमें बताए बगैर कोई भी कदम उठाया और आपके जहाजों ने इस मुश्किल वक्त में कोई भी हरकत की तो अब्दुल हमीद से पहले हम आपके जहाजों पर बमबारी कर देंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने महल में बैठे बैठे दो बड़ी कुवतों को आसानी से आपस में लड़वा दिया, कितने बेवकूफ है उसके दुश्मन। आप यकीनन मसाइल से आगाह होंगे। आर्मेनियों की बगावत ने बर्तानिया और रूस को भी उकसा दिया है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं रोमी ईसाइयों को इन मसाइल से दूर रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, मगर कुछ लोग अफवाहों की वजह से मुश्तइल हो जाते हैं। सल्तनत के साथ आपकी वफादारी की जरूरत हमें पहले से कहीं बढ़कर है। उस्मानी सल्तनत हमारी भी है सुल्तान मौज़म, ये फराइज आपने ही मुझे सौंपे हैं, किसी सूरत गद्दारी नहीं कर सकता मैं। काश के पादरी इज़मीर लियान भी आपकी तरह सोचता, लेकिन उसने गद्दारी का रास्ता चुना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखबारात में क्या छापा जा रहा है, मुझे यकीन है कि ये सब आपके खिलाफ झूठी खबरें छाप रहे हैं। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप हमें जानते हैं इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। आर्मी ने जब तक किसी को मुंतखब नहीं कर लेते इस मामले को आप ही संभालेंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। ईसाइयत में एक इस्तिलाह होती है, खुदा के मुकर्रब बंदे। इसका क्या मतलब है? हमारे मजहब में जो बहुत नेक लोग होते हैं वो खुदा के मुकर्रब कहलाते हैं। अगर ऐसा है तो आप पादरी इज़मीर लियान को वली बनाने का ऐलान कर दीजिए। लेकिन उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में गलत काम किए हैं, वो कैसे मुकर्रब हो सकता है? आपके पास इसकी बहुत अहम वजह है। आपने कहा कि वली की मौत दर्दनाक होनी चाहिए, और सब जानते हैं कि इज़मीर लियान इसी तरह हलाक हुआ। लेकिन ये काफी नहीं, उसे अपनी मौत के बाद मौजज़ात भी दिखाने होते हैं। उसकी भी फिक्र ना करें आप, इस तरह हमारी रियासत को तमाम मसाइल से निजात मिल जाएगी। आपका मकसद नेक है, आपके अहकामात की इताअत करके मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मैं आज ही अपने बयान में यह ऐलान करूंगा। दोस्तों, आप लोग मुझसे पूछे बगैर अखबारात में मेरे नाम से ऐसे बयानात कैसे छाप सकते हैं? महमूद पाशा, इस बेकार के खौफ को खुद से दूर कर दे। अब यकीन करें सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दिमाग तो ठीक है आपका, जरा सोचें तो। आर्मेनियों से मैं ये कहूंगा कि रियासत उन्हें मार डालेगी, क्या पागल हो गए हैं आप?
अब्दुल हमीद ने जैसे ही ये खबर पढ़ी ऐसा लगा जैसे वो मुझे शेर के पिंजरे में डाल देगा। टुकड़े टुकड़े करने वाला था वो मेरे। परेशान ना हो, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है, अब वो रियासत उस्मानिया पर हमला करेंगे। महमूद पाशा, अब्दुल हमीद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने जालिम लोग हैं आप, बहुत ज्यादा खुदगर्ज। आप लोगों ने मुझे खौफनाक भूखे शेर के सामने डाल दिया और अब मेरा तमाशा देख रहे हैं। आप लोगों की वजह से अब्दुल हमीद मेरी जान ले लेता। दरअसल महमूद पाशा को अब तक पहचान नहीं सके आप लोग। अगर मैंने इस पादरी का, जो खाने से हाथ रोकने की जहमत भी नहीं कर रहा, बता दिया कि ये मरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जिंदा है, तो जितने भी आर्मीनी ये समझ रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, यहां आकर सबको ज़िबा कर देंगे। बस करो महमूद पाशा। वहां बैठ जाओ, आराम से बैठ कर बात करते हैं। महमूद पाशा, ये ठीक कह रहे हैं, आप पहले बैठ तो जाएं। हम आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन आर्मीनियों के बारे में इस बयान से यह जाहिर किया गया कि रियासत अपनी ताकत के जोर पर आपको जिला वतन करेगी। एहतजाज से दूर रहने वाले भी अब अपने घरों से निकल रहे हैं। अब बताएं क्या करूं मैं, मेरे दोनों जानिब आग ही आग है। बस अब्दुल हमीद चाहता है कि मैं जल्द अज जल्द अपने बयान की तरदीद करूं। जी पता चला हमें, आपने सहाफियों को महल में मतू किया है। ताहम मैंने अभी तक बयान की तरदीद नहीं की जनाब हर्जल। उस खबर की हर किस तरदीद नहीं की जाएगी जनाब जाहरुफ। चंद सिपाहियों को लालच और रिश्वत देकर जंगल में फरार हो जाना बहुत आसान काम है। मुश्किल में फंसे हुए आप नहीं है जनाब, फंसा हुआ मैं। बहस को खत्म करो महमूद पाशा। तुम उनसे कहोगे रियासत का मौकफ ये है कि रियासत पूरी ताकत और बेरहमी से दहशतगर्दों का सफाया करेगी, अगर ऐसा ना किया तो हम शायद खत्म हो जाएं, लेकिन तुम यकीनन खत्म हो जाओगे। कितना वक्त जाया हो चुका है लेकिन अभी तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सब्र करो, अब भी कुछ वक्त है। एक बार सेफ खुल जाए तो हमारे पास इतनी ताकत होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर बर्तानवियों ने अपने जहाज पाए तख्त में दाखिल नहीं किए तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस सेफ में मौजूद ये दौलत हमारे किसी काम की नहीं। दौलत वैसे भी किसी काम की नहीं, क्योंकि ये बैंक के मंसूबे के लिए जनाब हर्जल के पास जाएगी। अगर हमें सेफ में मौजूद हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम मिल जाए तो हम अंग्रेजों के साथ जो चाहें वो सौदा कर सकते हैं, समझे? मैं नीचे जा रही हूँ। नहीं आसन, हर तरफ इनके आदमी मौजूद हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। मुझे सेफ तलाश करना है, परेशान मत हो, यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। तुम तो हमेशा बड़े बड़े खतरात मोल लेते हो, इन कामों से तो बहुत दौलत कमा लेते होगे। मुझे दौलत, औरत, मकाम किसी चीज की परवाह नहीं। लोगों को कत्ल करके बहुत खुशी मिलती है मुझे। बहुत अजीब आदमी हो तुम। समझते क्या हो अपने आप को? जैसे मैं तो तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ, तुम्हारे बाप ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुम्हारी बीवी कैसे बन सकती हूँ? बिल्कुल अम्मी जान की तरह बना है। अम्मी जान, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे इस जहन्नम से बचा सकती हैं। आप ही मेरे मसाइल का वाहिद हल हैं। मकबूला,
बेटी बेटी ये क्या हुआ? मकबूला जल्दी से जाइए और मौलिज को बुलाइए। बेटी ये कैसे गिर गया? आपकी ख्वाहिश है कि आपकी मुलाकात सुल्तान मुअज्जम से कराई जाए? जी, मुमकिन हो तो जल्द मिलवा दें। क्या आप कोई नई शरायत लेकर आए हैं? नहीं, मैं तो माफी मांगने आया हूं, बस उनसे फौरन मिलवा दें मुझे। इत्तेफाक से सुल्तान मुअज्जम आज कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं, और फिर आपके साथ आपके कातिब भी नजर नहीं आ रहे। कातिब मतलब? अब तक तो हम आपसे मुरव्वत करते हुए बगैर कातिब की मुलाकात करते रहे थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आप जाइए और पहले अपने कातिब को साथ लेकर आइए, मुलाकात का अहवाल तहरीर किया जाएगा। जी, अभी बुलवा लेता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? लेकिन हमें जल्दी है पाशा, मेहरबानी करें। माजरत चाहता हूँ। और हाँ, मैं ये किताब पढ़ रहा था, कोपरुलु मेहमत पाशा के दौर का एक वाकया बयान किया गया है इसमें। किस बारे में? फ्रांसीसी सफीर और अतालियों के दरमियान खुफिया पैगाम रसानी का कोपरुलु पाशा को इल्म हुआ तो सफीर को तलब कर लिया। उसने बहुत इनकार किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सफीर को बहुत मार पड़ी। उसके बाद उसे ले जाकर जिंदान में कैद कर दिया गया। लीजिए लीजिए, इसे पढ़िए। आपने मेरी तौबा भी तोड़वा दी और कसम भी आसिम उस्ताद। तौबा गुनाहों से की, कसम हक ताला की खाई, लेकिन उसे तोड़ने की वजह और तुम्हारी तौबा तोड़वाने की वजह जालिम का जुल्म है। खुशामदीद जवानों, एक पहाड़ तबाह करना है, क्या तैयार हो तुम लोग? हम अल्लाह के हुक्म से हाजिर हैं, आप सिर्फ इशारा कीजिए। हम बिल्कुल तैयार हैं, हुक्म करें क्या करना है। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी रियासत में अमन हो जाए, लेकिन दुश्मन बाज नहीं आ रहा। आर्मीनी इंतहा पसंदों ने रियासत का सुकून तबाह करने के लिए गुंडे जमा कर लिए हैं, वो दहशत फैला रहे हैं और इसके अलावा सलीबी भी उकसा रहे हैं उन्हें। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। हमारे वो पड़ोसी जो हमारे भाई और दोस्त बन गए थे, हमसे जंग करने पर तुले हैं। नहीं मालूम कि वो दुश्मन हमसे कब और कहां टकरा जाए, लेकिन हमारा दीन, हमारे सुल्तान और हमारी रियासत शदीद खतरे में है। आप हुक्म दे आगा, उड़ा देंगे उन्हें। बहुत खूब, पायतख्त में आर्मेनियों की बगावत पूरी शिद्दत से जारी है। पाया तख्त की साग ने अनातोलिया से चिंगारी ली है हर्जल। अनातोलिया? हाँ, उसकी भी बारी आएगी। हर्जल, तुम लोग सारे यहूदी हमेशा जुल्म की शिकायत करते हो, मगर कभी बगावत करते नहीं देखा तुम्हें। हम लोग जंग करवाते हैं, करते नहीं हैं। हाँ, हवाओं का रुख बदल चुका है,
और अब इस आग को भड़काना बंद कर दें। अब्दुल हमीद ने मलिका बरतानिया को शह दे दी है, यानी मात होने वाली है हमें। हजरत, मुझे शतरंज की बिल्कुल समझ नहीं है, साफ साफ बताओ। बैंक का कब्जा खत्म होने वाला है, हमें भी फरार होने की तैयारी कर लेनी चाहिए। हुआ क्या है ये बताओ हमें। मलिका बिस्तरे मर्ग पर है और उनकी जिंदगी अब्दुल हमीद के हाथों में है। अब्दुल हमीद ने अगर मलिका की नाक बंद कर दी है तो सांस हम भी नहीं ले सकेंगे, समझो सब खत्म, खुदावंद खैर करे। ये आप क्या कह रहे हैं, सारी मंसूबा बंदी बर्बाद हो जाएगी। मुझे ना बर्तानिया की फिक्र है ना मलिका की, सिर्फ इसराइल चाहिए मुझे। बस करो हर्षल, तुम्हें मामले की नजाकत को समझना चाहिए। इस वक्त मौजूए बहस बर्तानिया है और बर्तानिया की इज्जत आबरू मलिका है। एक ऐसी औरत जो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है सारा, मेरा मकसद वाजह है, बैंक, दौलत और इसराइल। सब लोगों ने सिर्फ अपने मफादात देखना शुरू कर दिए हैं। अगली चाल मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। क्या होगी अगली चाल? हेरम। तारीख सिर्फ झूठ का पलंदा है सारा। सेहोनी थियोडोर हर्जल, इसका मुस्तकबिल में अंजाम क्या होगा कौन जाने। खैर हमें इससे क्या। लोग किस्से सुनना चाहते हैं और हम सुना रहे हैं उन्हें। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, क्या देखा आपने? पादरी इज़मीरलियान दीवार पे जिंदा नजर आ रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह। कलीसाओं और अवामी मकामात पर इज़मीरलियान की तस्वीर लोगों को दिखाएं। तो इससे क्या हासिल होगा सुल्तान मौसम? मौजज़ा। तिजोरी खुलने वाली है, जाओ हिरम को बुलाओ। क्या कर रही हो तुम यहां? मैं बस ओ शहजादे आइए तशरीफ लाइए। सुल्तान मौज़म ने जो फरमाया पाशा वो हमारे कानों में गूंज रहा है। क्या फरमाया उन्होंने शहजादे? उन्होंने फरमाया कि रियासत या मरा हुआ कौवा। उन्होंने मिसाल दी थी लेकिन वो मिसाल आपके लिए नहीं थी, अब्दुल कादिर आफंदी के लिए थी। पाशा जानते हैं हम, यह हमारे भाई का फर्ज बनता था, लेकिन अब हम जाएंगे आर्मीनियों का बैंक से कब्जा छुड़ाने। कामयाब ना भी हुए तो ये साबित कर देंगे कि कम अज कम जान की बाजी लगाने से डरते नहीं हैं हम। शहजादे ये बात आप जानते हैं कि रुतबा तो है आपका लेकिन आप तालिबे इल्म हैं, आपके मकतब के असातिज़ा आपके जिम्मेदार हैं। हम जानते हैं पाशा, सब जानते हैं, हमारे भाई ने जाने से इनकार कर दिया है।
ये उनका इम्तिहान है। लेकिन सुल्तान अगर चाहते कि आप भी जाएं, तो वो जरूर ऐसा कहते। आप परेशान ना हो। बड़ा मसाला बन गया शहजादे। मैं आपके साथ खड़ा रहता, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे मजबूरन भागना होगा। क्या हुआ सबातीन? निकाह हो रहा है। चेहरा छुपाकर भागना चाहते हैं? इस निकाह से बचने के लिए भागना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मकबूला कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती, कभी नहीं। खैर, इस मसले का कोई हल निकाल लूंगा मैं। आप क्या करेंगे? आपको बताया था, नहीं जाएंगे हम। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। आप तो इसके हक में बिल्कुल नहीं थे, तो राय कैसे बदल गई? मैंने बहुत सोचा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि जाना चाहिए। और आप नहीं भी गए तो क्या हो जाएगा शहजादे? किसी पाशा को भेज देंगे। पाशा को तो जाने से नहीं रोक सकते ना। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। हम आजादी पसंदों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते सबातीन, आप जानते हैं। खुल जा जल्दी। आसन उमर, क्या तुम्हें मालूम है कि पादरी इस्मिरलियान कहाँ हैं? उन्हें तो जलाकर मार दिया गया है। मगर वो रात को मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने मुझे कलीसा में बुलाया था। पादरी इस्मिरलियान, आप खुदा के मुकर्रब हैं। आमद का सबब क्या है? मलिका विक्टोरिया बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार हैं। क्या वाकई? क्या मुश्किल है उन्हें? वो सुबह जाग नहीं सकी, बहुत थक गई होंगी। जी हाँ, दूसरी रियासतों के अंदरूनी मामलात में बेजा मुदाखलत करना इंसान को थका देता है। हमें यकीन है कि आपके पास उनका इलाज होगा। अखबारात में पाया तख्त नामी इदारे ने नींद के अर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का इश्तिहार दिया था, लेकिन हमें वो इदारा कहीं नहीं मिला। नहीं मिला होगा। इब्ने सीना, अल राजी, हिजर आलिम जैसे तबीब इस सरजमीन पर पैदा हुए, उनका तरीका इलाज आप नहीं जान सकते, क्योंकि इन तबीबों का ताल्लुक इस्लाम से है। अब आप मलिका को उन सरगर्मियों से दूर रखें जो उन्हें थका दें। आप अपने हाथ खींच लें, वरना उस नींद का अंजाम मौत होगा। नहीं जानता क्या कहूं। अब हम जो कहेंगे आप सिर्फ उसी की इताअत करेंगे। कब्जा खत्म कर दिया जाए, मगवियों को रिहा किया जाए, अपने जहाजों को वापस भेज दें आप। आर्मीनियों के फसादात खत्म हो जाने चाहिए। जैसा आप कहें, लेकिन आर्मीनियों के मसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बैंक पर किए जाने वाले हमले की जिम्मेदारी तो कबूल करते हैं ना। ये लिख लीजिए, आप बस कब्जा खत्म करें, बगावत से निमटना हम जानते हैं। दस्तखत करवाएं इनसे। अब अगले कदम के तौर पर लंदन को अपनी जिम्मेदारी छोड़ने के लिए इस्तीफा भिजवा दें। आप लोग मेरी बात का यकीन करें, मेरे बाबा ने पादरी इस्मिरलियान को कलीसा में अपनी आंखों से देखा था। मेरे दादा ने भी देखा था, सामने वाली दीवार पर नजर आए थे और उसके बाद गायब हो गए। जब वो जिंदा थे तभी मुझे लगता था कि वो एक वली। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरे पागल शोहर को बिल्कुल ठीक कर दिया था। ख्वातीनो हजरात, सुल्तान अब्दुल हमीद ने
मरहूम पादरी इजमिर लियान की जगह नए आर्मेनी पादरी का इंतखाब होने तक उनकी जगह रोमी पादरी को मुकर्रर किया है। रोमी पादरी फौरी तौर पर एक इज्तिमा का इनेकाद करेंगे। उस इज्तिमा में वो आर्मेनियों से खिताब करेंगे और वफात पाने वाले आर्मेनी पादरी इजमिर लियान के मुकर्रब होने का ऐलान करेंगे। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, पादरी इजमिर लियान को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। मेरे सुल्तान, महमूद पाशा की दावत पर सहाफी हजरत महल में आ चुके हैं। उनके साथ रहें, वो उनसे जो कुछ कहें आप उसकी तहकीकात करें। मेरे सुल्तान, महमूद पाशा ने क्या वाकई ऐसा कहा होगा? अखबारात छप चुके हैं, इसलिए इस बात की कोई अहमियत नहीं कि उसने कहा या नहीं। असल अहमियत इस बात की है कि वो तर्दीद करें। सुल्तान मौसम, शहजादा बुरहानुद्दीन आफंदी एहतजाजियों के पास जाना चाहते हैं। और अब्दुल कादिर आफंदी? मेरा ख्याल है कि वो नहीं जाएंगे। रियासत को जब उनकी जरूरत है तो वो मैदान छोड़कर जा रहे हैं। जब उन्हें रियासत की जरूरत होगी तो उस वक्त रियासत उनका साथ नहीं देगी। आप अब्दुल कादिर अफंदी से कुछ नहीं कहेंगे? अगर वो चले गए तो हमें बहुत खुशी होगी, और अगर ना गए तो सल्तनत से उनका नाम मिटा दिया जाएगा। अब कैसी है? ठीक नहीं है, जलने की वजह से रगें मुतासिर हुई हैं। एहतियात की बहुत जरूरत है। बेटी, कुछ चाहिए आपको? मेरी अम्मी जान। कहिए बेटी। मैंने अपनी अम्मी को खबर की थी, मेरे भाई के साथ वो यहाँ आ रही है। वो लोग इस वक्त अयुब में हमारे रिश्तेदारों के पास हैं। मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। फिक्र मत कीजिए आप, जल्द उन्हें यहाँ बुलवा लेंगे हम। मकबूला के अहले खाना को तलाश कीजिए और उन्हें यहाँ लेकर आइए। ये काम जल्द किया जाए। जल्लाद का मुखबिर भी आ गया। महमूद पाशा के उस बयान ने बहुत हलचल मचा दी है। कहाँ रह गए सबाहद्दीन, कहाँ रह गए? महमूद पाशा ने जो बयान दिया था, मुझे लगता है कि उसकी तर्दीद के लिए हमें बुलाया यहाँ पर। हाँ भैया। पाशा, शुरू कीजिए। अब्दुल कादिर, पता नहीं तुम जाओगे या नहीं जाओगे। तुमने वो पाशा का बयान तो पढ़ा था ना? हाँ, सुल्तान ने उसको हुक्म दिया कि इसकी तर्दीद करे। हाँ, तर्दीद तो करनी चाहिए, इतना सख्त बयान दिया है रियासत की तरफ से। एक जिम्मेदार पाशा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहता हूं। सबको सलाम अर्ज है मेरा। मेरे दोस्तों, आप सबको यहां मधु करने का सबब यह है कि हाँ, रियासत इस वक्त काफी मुश्किलात से दो चार है। मतलब हम ऐसी कुछ मुश्किलात में घिरे हुए हैं कि पाशा, यह मुमलिकत इस तरह के मुश्किल हालात में है कि जैसे मतलब ये कि अफरा तफरी। पाशा, इन बातों से पहले वो बात जिसकी वजह से हम अब तक तशवीश में हैं, उस्मानी हुकूमत बागियों को
कुचलना चाहती है ताकत के जोर पर। आपका यही बयान था ना? हाँ, एक अखबार में मैं दरअसल सहाफत में आजादी इजहार के फलसफे पर बात करना चाहता था। इस बारे में इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा आपसे। पाशा, अखबारात में जो बयान शाया हुआ है वो आपका है या आपका नहीं है? ये बताइए कि आप वकील नहीं हैं? इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मामले में आपकी दिलचस्पी की असल वजह क्या है। महमूद पाशा, गैर जरूरी बहस छोड़िए, अपने बयान की वजाहत कीजिए। ठीक है। हाँ, तो अखबार में छपने वाले उस बयान की हकीकत ये है कि यह है कि मेरे दोस्तों, अखबारात में छपने वाली वो खबरें सरासर झूठ हैं, इफ्तिरा, धोखा दही और बहुतान तराशी हैं। जो लोग अखबारात में ये सब छापते हैं वो इस पेशे के नाम पर धब्बा हैं। मेरे नाम से ये झूठा बयान छापकर जो लोग खुद को एक बड़ा सहाफी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेजमीर गिरे हुए लोग हैं। हमारी सल्तनत इस मामले में अस्करी कार्रवाई का सोच भी नहीं सकती। उस्मानिया रियासत आर्मेनियों के साथ शफकत और मोहब्बत करती आई है। हम हमेशा उनके साथ रहे हैं और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। जिन्होंने अपने अखबार में झूठी खबरें शाया की हैं, फौरन इसकी तर्दीद शाया करें और आज शाम जो अखबार छापे उसमें अवाम के सामने हकीकत वाज़े करें। एक बार फिर बताता चलूं कि इस बयान के साथ मेरी जात का कोई ताल्लुक नहीं है। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। तहसीन पाशा, अंदर आओ सबातिन, अंदर आओ। कहां रह गए थे बेटा तुम? मैं तो अपने बयान की तस्दीक करने ही वाला था कि बात करने में देर हो गई बाबा। मेरे पास आओ, माथा चूम लो तुम्हारा। जबरदस्त, तो तुमने अब्दुल कादिर को राजी कर ही दिया? राजी नहीं कर सका मैं। नहीं कर सके? नहीं माना। अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करता। मैं क्या कर रहे हैं बाबा, दर्द हो रहे हैं मुझे। अगर राजी नहीं कर सके थे तो फिर सहाफियों से खिताब के वक्त हाँ का इशारा क्यों किया था तुमने? शहजादे को राजी नहीं कर सका मैं, लेकिन मैं सुनना चाहता था कि आप क्या कहते हैं, इसीलिए हाँ में सर हिलाया। सिर्फ सुनना चाहते थे? जी बाबा। उसे मैं राजी कर लूंगा और अगर मना ना सका तो समझो मैं तो गया। तुम यतीम हो जाओगे, जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर आ जाएंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि घर चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। समझ नहीं पा रहा बाबा, कुछ समझ नहीं पा रहा। अब्दुल कादिर का उनसे मिलने जाना हमारे लिए इतना अहम क्यों है? बहुत अहम है, लेकिन तुम्हें नहीं बता सकता मैं, क्योंकि फिर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। अब्दुल कादिर को तो राजी कर ही लूंगा मैं, मगर बाप की हैसियत से एक मशवरा है। अब्दुल कादिर से सारे फायदे हासिल कर चुके हो तुम? नहीं बाबा। फायदे हासिल कर लो कमाकल। लो फायदे। कान में दर्द कर दिया मेरे। सुल्ताना, मेरी बेटी की तबीयत कैसी है? हालत काफी खराब है। बदकिस्मत बेटी। मालिद मायूस नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हमने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह आपसे राजी हो। ये सब कैसे हुआ? गलती से हो गया। आइए मकबूला से मुलाकात कर लीजिए।
आइए। आह, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी जान। हमारा इस हाल में मिलना लिखा था, हुआ कैसे ये सब? अम्मी, परेशान मत हो आप, ठीक हूँ मैं। आपकी बहुत याद आ रही थी। खुशामदीद। शुक्रिया तुम्हारा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ क्या था बेटा, कैसे चल गई तुम? मैंने खुद किया है अम्मी। मेरी शादी पाशा के बेटे से करवा रहे हैं। तो क्या वो शादी कर लेंगे तुमसे? लगा था नहीं हो सकेगा ये, लेकिन मेरा जहेज भी तैयार कर लिया गया है। मामला संगीन हो चुका है, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, इसलिए यखनी उबाली और खुद पर डाल दी। आपको यहाँ बुलाने का और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब होगा क्या? हमें कोई हल तलाश करना होगा। हम कहाँ जाएं? किससे मदद मांगे? मेहमत पाशा नाम के एक पाशा है। मैं कुछ दिनों पहले बीमार हुई थी। मेहमत पाशा ने अस्पताल में बहुत ख्याल रखा था मेरा। उनसे मिले और उन्हें सच बताएं। ठीक है, फिक्र मत करो। मेहमत पाशा बीदार सुल्तान के भाई हैं। वो ये बात उन्हें बताएंगे। सिवाय बीदार सुल्तान के कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। अम्मी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आ गई? मेरा सुकून क्यों छीना हसन? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कुछ कहना चाहते हो क्या? मुझे लगा किसी की आवाज आई है। तुम जबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन क्या तुम्हारा दिल भी कुछ नहीं कहता? उमर, मुझ में तुम्हारे हुस्न की ताप लाने की ताकत नहीं। समझ नहीं आता कि अपने दिल को कैसे समझाऊं। तुमसे कुछ सुनना चाहती हूँ उमर, कुछ तो कहो, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? अहसन, कहो उमर। दीन से मोहब्बत, रियासत का एहतराम और मिल्लत की हिफाजत करोगे, और कोई चीज तुम्हारे लिए अजीज नहीं। अपने दिल को कभी भी फजूलियात में नहीं लगाओगे। तुम्हें ऊपर जाना चाहिए, तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास ना हो जाए। हम जानना चाहते थे कि आप अपनी मोहब्बत के लिए लड़ते हैं या नहीं पाशा। लड़ूंगा मैं। ये कब्जा खत्म करना होगा, बैंक खाली कर दो। ये क्या कह रहे हो तुम? आज से बासिल ज़ाहरूफ तुम्हारा दुश्मन है। इससे पहले कि ये मामला खराब हो, मुझे अपने आप को जाहिर कर देना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अपनी मोहब्बत और ख्वाहिशात को अपने दिल में दफन करके नायमे से शादी कर लो। अब्दुल कादिर इसकी कीमत नहीं बनेगा, उसे मरते हुए नहीं देख सकता मैं।